Bonjour. Hello, assalamu alaikum. This is Anila Firozdar. I do hope कि आप सब ठीक होंगे. और आज weather is very pleasant here. I'm out for a walk. वैसे तो walk करने के बहुत सारे benefits हैं, आपको पता ही होगा सबको. लेकिन मुझे जो सबसे अमेजिंग पार्ट लगता है इसका वो ये है कि जब मैं वॉक कर रही होती हूँ तो डिफरेंट लोगों से इंटरेक्ट करती हूँ, डिफरेंट कल्चर के लोग होते हैं, तो फिर बड़ा अच्छा लगता है सबसे बात करके. अब डिफरेंट लैंग्वेजेस में बात कर रहे होते हैं. नॉर्मली मैं जिस ट्रैक पे वॉक करती हूँ, आज मैं उस ट्रैक से वॉक नहीं कर रही, तो मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है. ये वाला ट्रैक मुझे ज़्यादा खूबसूरत और मज़े का लग रहा है. वेदर इज़ प्लेजेंट हियर और एटलीस्ट वैसा है जैसा मुझे पसंद है, मैं लाइक करती हूँ. मैंने सोचा कुछ थोड़ी ज़्यादा वॉक कर ली जाए आज. But I'm not going there. समर है इसलिए काफ़ी सारे फ्लावर्स और हमें नज़र आ रहे थे. जब मैं वॉक कर रही होती हूँ तो नज़र आते हैं, लेकिन अब जैसे जैसे विंटर आ रहा है तो ये सब भी ख़त्म हो जाएंगे. सो आई एम ऑलमोस्ट देयर. मैंने बहुत सारे रखे हुए गमले, इतने ही अच्छे लगते हैं प्यारे से. सुबह सुबह का टाइम है, स्कूल भी ओपन है, हर कोई अपने ऑफिसेस में है. सो इट लुक्स लाइक जैसे नोबडी लिव्स हियर, लेकिन ऐसा नहीं है. सब रजिस्ट्री इतने दिन से बारिश हो रही है कंसेक्टिवली, सुबह शाम सुबह शाम. यहाँ वैसे हर वक्त कोई ना कोई खेल ही रहा होता है. इस यहाँ से मैं जब भी गुजरी हूँ ना, इस पार्क के सामने से डिफरेंट सारे स्पोर्ट्स हैं जो खेल ही रहे होते हैं. ये कभी भी मुझे ऐसे नहीं लगा कि यहाँ पे कोई है नहीं है. जब भी आओ यहाँ पे कोई ना कोई स्पोर्ट्स चल रही होती है. चूँकि ये पार्क में काफ़ी प्लेइंग एरियाज़ भी हैं बच्चों के लिए, तो इसलिए फिर फैमिलीज़ यहाँ आके काफ़ी कंफर्टेबल रहती हैं, बिकॉज बच्चे जो हैं वो खेलते रहते हैं यहाँ पे अपना स्पोर्ट्स, और बड़े जो हैं वो अपनी जो स्पोर्ट्स हैं उसको एंजॉय करते हैं. बच्चे तो खैर झूले झूले लेते रहते हैं यहाँ पे. स्विंग्स देख के तो मुझे अपना बचपन याद आ गया. आई लव दिस. दिल चाहता था बस इस पे झूले लेते हैं. वॉलीबॉल, बैडमिंटन, स्कूल में इतने अच्छे अच्छे गेम्स थे जो खेले.
हाँ तो ग्रीनरी है तो बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन जैसे ही ये ऑटम आ जाएगा तो ये सारे फ्लावर ट्री जितने भी प्लांट्स हैं सब वॉक करते करते मुझे एक छोटा सा सेंटा क्लॉज और उसके पीछे एक आउल नज़र आया। अच्छा डे टाइम में ऐसा नहीं होता, लेकिन इवनिंग में मैं जब भी वॉक के लिए निकलती हूँ अराउंड 5:30 और 6 PM के अराउंड आपको इतने ज़्यादा डॉग वॉकर्स नज़र आते हैं कि मैं तो बार बार साइड पे हो रही थी। कभी एक डॉग वॉकर नज़र आता है, कभी दूसरा, कभी तीसरा, अपने अपने डॉग्स को वो लेके आए होते हैं वॉक के लिए। दीज पीपल आर वेरी केयरिंग, बहुत ख्याल रखते हैं अपने पेट्स का। कैट्स तो नॉर्मली वॉक के लिए उनको नहीं लेके आते, कैट्स को नहीं नज़र आती, लेकिन जो डॉग्स हैं तो बहुत ज़्यादा आपको हर तरफ इवनिंग में ऑलमोस्ट डॉग वॉकर्स नज़र आते हैं। प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, मैं काफ़ी टाइम से ना इसको देख रही हूँ कि ये है क्या, लेकिन समझ नहीं आ रही मुझे। ओके गाइस, यहाँ पे मैं इस वीडियो को करूँगी एंड। काफ़ी वॉक कर लिए वैसे मैंने, तो आप प्लीज़ अपना फीडबैक जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। आपसे इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी नेक्स्ट किसी वीडियो में। टिल देन अल्लाह के बानों मेहरबान।